वही मैं सोच रही कि पाकिस्तान वालों की कदर क्यों नहीं हुई, क्यों पाकिस्तान से छोड़ के आना पड़ा उसको। सच में आप लोगों ने कभी सोचा नहीं उसको कि कराची में इस तरह की एक मोहतरमा रहती है जो आप लोगों के लिए इतना कुछ कर सकती थी, हिंदुस्तान में आके उसने हमें सिखाया कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। मुझे लगता है आप लोगों ने सीखना नहीं चाहा, और आप लोगों ने कभी उसको दिया लेके नहीं ढूंढा। वो सचिन दिया लेके ढूंढ रहा था पबजी, अगर आप लोग भी खेलते तो शायद हो सकता था कि वो पबजी के चक्कर में वही, और क्या पता आज आप हमारी जगह चांद पे हमारा पाकिस्तान होता। बिल्कुल तो आप लोगों ने गलती की ना, दिया लेके था आप लोगों को ढूंढने, टॉर्च लेके। गुलाम हैदर ने तो उसको एक रास्ता दिखा के कराची पहुंचाया, लेकिन मसला ये है कि गुलाम हैदर भी शायद ना समझ सका हो कि वो इस किस्म की हस्ती है, इस किस्म की चीज है कि उसको सऊदी अरब धक्का देके खुद इंडिया गलती हो जाएगी। गुलाम हैदर को क्या पता था? गुलाम हैदर को अगर पता होता तो गुलाम हैदर उसके साथ साथ रहता, बल्कि चांद तक उसके साथ जाता। मसला कुछ और हुआ है कि वो उसने अंदर के जो उसके भाग थे वो उसने दुनिया को के सामने जाहिर ही नहीं होने दिए। वो कहते ना कि बहुत सारे ऐसे पंडित और ऐसे पीर होते हैं जिनके वक्त के साथ साथ चीजें अंदर से नमूदार होती हैं, और वक्त बदलने के साथ साथ वो उनका निखार सामने आता है। तो ये तो वो चीज है जो वक्त के साथ साथ इनके अंदर तब्दीली हुई है, जिसमें ये पता चला है कि जी इस्लाम में क्या कुछ होता है, हिंदुइज्म में क्या कुछ होता है, असली देशभक्त क्या होता है, देशद्रोही क्या होता है, सारा इसको तो बाद में इसने निखार अपना जो था वो बाहर निकाला है। इससे पहले तो दुनिया को नहीं पता चल रहा ना, इसने सारी चीजें छुपा के रखी हुई थी। ये तो बाद में देखिए, जवाई भी उसने कैसा ढूंढा है पाकिस्तान के लिए, जीजा जवाई कैसा ढूंढा है उसने। आप लोग दिया लेके भी जाएंगे तो तब भी नहीं मिलेगा, इतना खूबसूरत ना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग आप लोगों को, टॉल एंड डार्क, कितना यंग। नहीं 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 फैजल सर, वो अब वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब तो वो निकल गई, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। आप लोग वो सारे एक्सपेंसिव उसके ना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो इसलिए यहाँ पे आके हमारी छाती पे मूंग दल रही है, हमें सिखा रही है संस्कृति सभ्यता, हमें सिखा रही है कि वोट, आज तक हमने वोट दिया ही नहीं है, हमारे हमने अपने नेता चुने ही नहीं है। वो आई तब जाके पता चला कि वोटिंग कैसे होती है, वो अपील कर रही है जिस तरह से, हमें तब पता चला कि वाकई में हिंदुस्तान वोटिंग अच्छा ऐसे होती है, हमें तो पता ही नहीं था, आज तक हमने वोटिंग की ही नहीं। तो इस तरह की महिला का तो हमारे यहाँ आना वाकई में, जो एक भैया जी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कैसे ढूंढ लिया। 4 साल पहले उन्होंने उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया कि भैया इसको निकाल, पहले तो पहले अगर तो हैदर को निकाल देगी तो भैया तो यहाँ आके तो गुल खिलाएगी, क्या गुल खिलाएगी, और जो खिला रही है वो खेल रहे हैं, और दोनों के दोनों अच्छा मजे खेल रहे हैं। लप्पू को तो सिर्फ एक वो कर रखा है, बोले तो ये बोले ना कि एपी सिंह वहां का दामाद, पाकिस्तान का दामाद, तो हम माने। अब दामाद उसको बना रहे, पिटवा उसको रहे हैं, मजे खुद ले रहे हैं, हर चीज खुद कर रहे हैं, तो उनको होना चाहिए ना कि मैं पाकिस्तान का दामाद हूँ। भाई जिस दिन शादी हुई उस दिन आप देखा नहीं, मजनू की तरह ऐसे गीला चूहा पड़ा हुआ था कि भैया माला वहां डाल रही है, असलियत तो यहाँ है, अंगूठी वहां पहनाई जा रही है, असलियत तो यहाँ है, हर चीज वो दिखाई जा रही है। मतलब ये अंधभक्तों को और ज्यादा अंधभक्त बना रही है, हमारे जैसे लोगों को फिर सिखा रही है कि देखिए ये होते हैं रिश्ते। और आप लोग बोल रहे हो कि आप उसको वापस लेने की बात कर रहे हो, वापस आएगी? उसके एक्सपेंसिव जितने हैं ना नहीं होंगे पूरे, वो यही होंगे एपी सिंह जी के यहाँ। इंडिया की तो मैं गारंटी देती हूँ, पूरी इंडिया में ऐसी अकेडमी कहीं नहीं खुलेगी, सिर्फ रघुपुरा में है, रघुपुरा मुबारक हो, ऐसी अकेडमी मेरे पूरे भारत के लिए नहीं है। बाकी आप कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर भगवान ने चाहा या उसने चाहा तो हो सकता है, क्या पता वो आके फिर वहां आप लोगों को ये तालीम देने की कोशिश करे, या इस तरह की कोई और टीचर ढूंढे वो जाके वहां तालीम दे। पर नहीं, हिंदुस्तान में वहां रघुपुरा वालों को मुबारक हो, इस तरह की एकेडमी, इस तरह की जो भी डांसर है, नहीं पूरे हिंदुस्तान को नहीं। पर हाँ, मान गए कि रघुपुरा में ऐसा कोई एक जत्था है जो उसको इतना पसंद करता है, जिनके वो घर चला रही है, जिनको उसने रोजगार दिया है, और वाकई में ये लोग हैं, ऐसे हैं लोग। सरिता जी, कुछ इतलात हैं जैसे आपके चैनल रिपोर्ट कर रहे थे कि 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं, क्या मसला था, कुछ अंदर की खबरें क्या है? हाँ, वो लेजर ऑपरेशन करवाई है ना, जो कि हर महीने बोलते, हर दूसरे तीसरे महीने बोलती थी कि प्रेग्नेंट है, और भैया जी बोलते थे नहीं नहीं किसी को नहीं बताना है, नजर लग जाती है। और जिस दिन क्या था उस दिन, जिस दिन एक ऐसी कुछ न्यूज आई थी, तो उस दिन मैडम फिर एडमिट हो गई, उस दिन लेजर ऑपरेशन करवाया गया, और एडमिट होने के बाद उसके बाद अगले दिन फिर ठुमके लगाए गए। हम जैसा व्यक्ति तो एक इंजेक्शन लगा के आता है तो हम तो वैसे में डर जाते हैं,
अब उस औरत ने देखिए उसकी जो बच्चेदानी है उसमें सिस्ट है, गर्भ वो है जो उसमें, तो वो सिस्ट निकाले गए और डॉक्टर ने अभी बोला भैया ये कुछ और ज्यादा हो सकता है, इसको प्रॉपर तरीके से इलाज कराना पड़ेगा और उस इलाज में कितना खर्चा आएगा, जब मैं बता सकती हूँ आपको 3 से 4 लाख का खर्चा आएगा, 3 से 4 लाख खर्चा करवा सकते हैं उनके भैया जी उनका जो इलाज करवाने में, तो वो इलाज कर वो उन्होंने एक बार रिमूव कर दिया है और दोबारा अभी उनको डॉक्टर ने बोला है कि इससे कुछ नहीं होगा, अभी दोबारा भैया आपको आना पड़ेगा, इतना VIP ट्रीटमेंट देखिए सीमा तो क्या बात है, गेस्ट है सीमा तो गवर्नमेंट की गेस्ट है भाई, वो गेस्ट है स्टेट के गवर्नमेंट की, लेकिन तो पूरा गवर्नमेंट खर्चा करेगा, मोदी और योगी गवर्नमेंट करेगा, जाने के लिए में जाने के लिए सीमा की परमिशन चाहिए, सीमा की परमिशन होगी तो ही आपको अलाउ करेंगे, वरना नहीं अलाउ करते उधर, वो वो राजवर्धन वो महाराणा प्रताप का उसके भी उसको भी बोला मैं उसको गौमूत्र ये वो करने जाऊंगा, उसको भी आने नहीं दिया, उसके कार का शीशा तोड़ दिया, सोच लो कि रघुपुरा में सीमा हैदर की परमिशन के बिगैर कोई भी नहीं जा सकता। अब देखो अब सबसे बड़ी बात क्या है, राजवर्धन परमार जी ने बोला कि सीमा हैदर ने मुझ पे हमला करा दिया लेकिन डर के मारे उसकी कंप्लेंट नहीं की, ऐसे महान लोग हैं कि दो जो जो लड़के थे जो डंडा चला रहे थे वो दो मुस्लिम थे तब भी नहीं की, तो राजवर्धन परमार जी यही तो मैं कह रहा हूं, सरिता जी देखो सीमा हैदर का कितना पावर है कि राजवर्धन जो महाराणा प्रताप का मैं ये हूँ उसका भी FIR नहीं करने की हिम्मत नहीं चली, सोच लो नहीं चली, सोच लो, शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम, नहीं 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 उनको शेम ना कहीं, प्लीज प्लीज रीता जी नहीं, आप उस पावरफुल लेडी की पावर का अंदाजा लगाएं, उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाएं कि एक इतने कड़ियल सुल्तान को उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आप जो बंदा बिल्कुल आपको हमदर्दी होनी चाहिए उनके साथ परमार जी के साथ, क्योंकि वो सीमा की सीमा की वो है, वो सीमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीमा उनकी हमदर्दी करे नहीं करे ऐसे लोगों को मैं प्रमोट नहीं करती ना, ऐसे लोगों का नाम लेना चाहती हूँ, वो सीमा की धरोहर है, सीमा उनकी धरोहर है, सीमा संभाले उनको। आपको आपको ये तो अंदाजा हो गया ना कि किस लेवल की शक्तियां है उसके पास, किस लेवल के मुअक्कल है, हाँ ये तो है, ये तो बिल्कुल है। अच्छा अच्छा सुनो, टीवी जो मीडिया है वो ही सिलेक्ट करेगी कि इसको 5 मिनट, इसको 10 मिनट, इसको ये, इसका 20,000, इसका 50,000, इसका ये, अरे भाई क्या बात करते हो, फोटो खिंचवाने के भी पैसे हैं। सरिता जी एक सवाल मेरी तरफ है, विदाउट गिफ्ट के बिगैर आप उसको मिल नहीं सकते हैं। अच्छा ये आपके नसीब में नहीं था, ये नसीब में था सचिन के, और इसको बोलते हैं बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, वो आप पे ही गया है और इसलिए उसको सीमा मिली है, इसीलिए आपको नहीं मिली है, आप बड़े हैं इसलिए। हाँ देखिए चांद हर एक के अंदर में नहीं उतरता, हमारा नॉर्मल पासपोर्ट भी हो जाता और 4 बच्चा और पैदा कर लेते नहीं उतरता, ये नसीबों की गेम है, ये नसीबों की गली जो होते हैं आंगन जिनमें फूल खिलते हैं, ये सचिन और नितरपाल की वो क्या कहते होते हैं भाग जागे, नसीब जागे कि जहां नसीब जागे फूल और चांद उतरा, बिल्कुल 115 करोड़ उसको आने से, उसको आने से राम मंदिर बन गया, अभी मोदी भी इलेक्ट हो जाएंगे, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है भाई, उसके आने से, इसको आने से इंडिया का भला हो गया भाई, अभी वही मैं सोच रही हूँ, वही सोच रही हूँ मैं, आधी उम्र का, वाह 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 वाह, सही बात है, देखिए मर्चेंट साहब कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा होता है, तो वो हम लोग वो चिराग हमारे पास था लेकिन अंधेरा भी हमारे पास ही था, रोशनी तो सारी इंडिया में फैल गई, हमें पता ही नहीं चला, ये जब वहां पर इसने जाकर बताया अपना वो इसने आश्रम खोला तो पता चला है कि ये तो बहुत महान हस्ती थी, हम तो रह के पीछे कहीं, हमें तो पता ही नहीं लग सका कि ये तो इस लेवल का इंटेलिजेंस था, ये सब कुछ हमसे छीन चुका है। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं वापस लेकर आने की कि किसी तरह ये सारी नेक रूह कहीं हमारे पास भी आ जाए,
हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है, हमारे हालात खराब हो गए हैं, हमें चाहिए, हमें ऐसा वजीर और मुशीर चाहिए। मैंने सुना है कि उसने एक अकेडमी बना ली है, ठुमका अकेडमी रघुपुरा, तो बहुत बड़े लेवल पर वो अकेडमी में काम हो रहा है, जिसमें जिस्म की हरकत से रुपए कैसे कमाए जाते हैं उसके बारे में तालीम दी जाती है। और ये एक बहुत बड़ी एकेडमी है, इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में और कभी एक वक्त आएगा पाकिस्तान में भी खुलेंगी, और दुबई जितना भी है ये सारा वहां पर एकेडमी की ब्रांचेस होंगी। जैसे जैसे लोग इससे तालीम हासिल करते जाएंगे, जैसे जैसे लोग इससे इल्म हासिल करते जाएंगे, इसके शागिर्द पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तो जिस्म की हरकतों सकनात से रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है, यकीन माने आप लोगों के भाग जाके। मैं तो आप लोगों नहीं, पूरी वही मैं सोच रही कि पाकिस्तान वालों की कदर क्यों नहीं हुई, क्यों पाकिस्तान से छोड़ के आना पड़ा उसको। सच में आप लोगों ने कभी सोचा नहीं उसको कि कराची में इस तरह की एक मोहतरमा रहती है जो आप लोगों के लिए इतना कुछ कर सकती थी। हिंदुस्तान में आके उसने हमें सिखाया कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। मुझे लगता है आप लोगों ने सीखना नहीं चाहा और आप लोगों ने कभी उसको दिया लेके नहीं ढूंढा। वो सचिन दिया लेके ढूंढ रहा था, पबजी अगर आप लोग भी खेलते तो शायद हो सकता था कि वो पबजी के चक्कर में वही, और क्या पता आज आप हमारी जगह चांद पे हमारा पाकिस्तान होता। बिल्कुल सही, आप लोगों ने गलती की ना, दिया लेके आप लोगों को ढूंढने टॉर्च लेके।